नमस्कार किसान भाइयों, देश भर में औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती एक बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है और उनमें से एक बहुत बड़ी किसानों की संख्या पहली बार ये औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती करने जा रही है। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई पहली बार इसकी खेती करने जा रहे हैं, उन किसान भाइयों को मैं इस वीडियो के जरिए सतर्क और सावधान कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो धोखा जो फ्रॉड पिछली बार जिन किसान भाइयों के साथ में हुआ, वो धोखे के शिकार आप लोग ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को पूरी विवरण के साथ पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को उस धोखे से सावधान कर देना चाहता हूँ। और उन किसानों की वीडियो क्लिप भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, ताकि जो धोखा उनके साथ में हुआ वो धोखा आप लोगों के साथ में ना हो। क्योंकि किसान भाइयों, कई बार इसमें क्या होता है कि जब आप लोग बीज खरीदते हो तो उस बीज में कुछ ऐसे खरपतवारों का बीज भी मिला हुआ रहता है, जो बीज हूबहू जो अश्वगंधा का बीज रहता है उसी से मिलता जुलता बीज रहता है। आप लोगों को देखने में नहीं मालूम पड़ेगा कि ये बीज अश्वगंधा का है या किसी और चीज का। और जब उसका पौधा उगता है, बीज जर्मिनेशन होता है, तब वो पौधा भी अश्वगंधा जैसा ही दिखता है। और उस पौधे का आप लोगों को कब पता चलेगा, जब फसल आपकी 2 महीने की हो जाएगी। फसल 1.5 से 2 महीने की जब होगी तभी आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिखाई देगा अश्वगंधा के पौधे में और जो खरपतवार के जो पौधे हैं उनमें। और जब आप लोगों को इस बात का पता चलेगा कि ये पौधा अश्वगंधा का नहीं है और आप एक बड़ी उम्मीद के साथ में अश्वगंधा की खेती करते हो कि इस साल कुछ ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, और आप लोगों के खेत में जब फसल हरी भरी रहती है, एकदम पौधे अच्छे से उगे रहते हैं, तब आप लोगों को बहुत खुशी होती है। क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मुझे भी बहुत खुशी होती है जब फसल एकदम अच्छी होती है, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन किसान भाइयों, जब आप लोगों को यह पता चले कि जो आपके खेत में हरी भरी दिख रही है वो अश्वगंधा के पौधे नहीं है, वो एक सिर्फ एक खरपतवार है और उसकी कोई कीमत नहीं है, तो आप लोगों पर क्या गुजरेगी। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत चिंतित हो जाएंगे। तो ऐसे ही धोखे के शिकार हुए किसान की एक वीडियो क्लिप भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा, और पिछली वीडियो में मैंने एक शॉर्ट वीडियो के जरिए भी उनकी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर अपलोड की थी, और आप आगे भी वो वीडियो क्लिप देख सकते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने अश्वगंधा का बीज खेत में डाला और 1.5 महीने बाद में उनके खेत में कुछ अश्वगंधा जैसे ही पौधे, बहुत से पौधे उग गए। तो उन्होंने सोचा कि ये अश्वगंधा के ही पौधे होंगे, क्योंकि जो पौधे उनके खेत में उग रहे थे वो सिर्फ जहाँ उन्होंने बीज डाला था वहीं पर उग रहे थे, बाकी जो दूसरी जगह थी वहाँ पर वैसे पौधे उनके खेत में कहीं भी नहीं थे। तो निश्चित ही वो उनको विश्वास हो गया कि जो पौधे हैं वो अश्वगंधा के ही तो होंगे, किसी और फसल के तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर खरपतवार के जो पौधे होते तो और कहीं भी वैसे पौधे उगे रहते। और जब उन्होंने बीज भंडार वाले से भी पूछा कि हमारे खेत में ऐसे पौधे उग रहे हैं, उन्होंने उनका वीडियोज और फोटोज भी उनके पास शेयर की, तो उन्होंने उसे अश्वगंधा के ही पौधे बताए। लेकिन किसान भाइयों, जब उनको हकीकत पता चली, बहुत से किसानों से उन्होंने पूछा, तो जब उनको पता चला कि जो पौधे उग रहे हैं वो अश्वगंधा के नहीं है, तो वो भी बड़े समस्या में फंस गए। तो किसान भाइयों, आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग एक बेहतर बीज का चुनाव करें, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ही बीज खरीदें और किसी जानकार किसान की जरूर मदद लें। अब किसान भाइयों, आप पहले वो वीडियो क्लिप देख लीजिए जिसके जो पौधे हैं, जिन किसान के साथ में वो धोखा हुआ, उनके खेत में जो पौधे हैं वो कैसे दिखते हैं, वो भू अश्वगंधा के जैसे ही दिखते हैं। आप वो वीडियो क्लिप आगे देख लीजिए। सर ये पेड़ देखिए, ये अश्वगंधा का पेड़ है या नहीं बताइए जल्दी। ये अश्वगंधा के पौधे देखिए, ये पेड़ है या नहीं बताइए। ये अश्वगंधा के पौधे देखिए, तो किसान भाई उस वीडियो क्लिप में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि उनके खेत में अश्वगंधा के जो पौधे हैं वो तो है कम, और जो खरपतवार के पौधे हैं हुबू अश्वगंधा जैसे ही दिखने वाले जो खरपतवार है उसके पौधे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनके खेत में उगे हुए हैं, और वो किसान भाई बहुत ही परेशान है।
तो किसान भाई अब इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो अश्वगंधा जैसे ही पौधे दिखने वाले थे वो हमारे भी खेत में उगे हुए हैं। हालांकि अश्वगंधा की जो फसल से तो हमने उखाड़ दिया था, उनको निकाल दिया था, लेकिन जो दूसरी फसलें हैं उनमें अभी तक भी वैसे ही पौधे उगे हुए हैं। और आप लोगों के लिए उन पौधों की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो अनुभवी किसान है, जो 10-15 साल से इसकी कंटिन्यू खेती करते आ रहा है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये जो पौधे हैं वो अश्वगंधा के हैं या नहीं। तो आप इन पौधों को बड़े आराम से देख लीजिए। और आप लोगों के लिए मुझे आप निश्चित ही आप लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन पौधों की पहचान करना। तो आप लोग इन पौधों को एक बार देख लीजिए कि पौधे अश्वगंधा के हैं या नहीं। और आप लोगों को हुबू अश्वगंधा जैसे ही वो पौधे दिखाई देते हैं, आप लोग ये पौधे देख लीजिए। ये देख लीजिए किसान भाइयों, ये जो पौधे हैं इसे आप पहचान करिए कि ये जो पौधा है वो अश्वगंधा का है या किसी खरपतवार का। तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसकी पहचान करना कि ये जो पौधा दिखाई दे रहा है वो अश्वगंधा का है या किसी खरपतवार का। लेकिन अब बहुत से किसान भाई यही सोचेंगे, किसी को भी अगर आप दिखाओगे तो वो यही बताएगा कि ये जो पौधा है वो अश्वगंधा का ही है। लेकिन किसान भाई, ये जो पौधा दिखाई दे रहा है वो अश्वगंधा का नहीं है, वो किसी खरपतवार का पौधा है। और आप देख सकते हो ऐसे बहुत से पौधे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर उगे हुए हैं और आप लोगों को इनकी पहचान करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देख सकते हो आप कुभू अश्वगंधा जैसे पौधे हैं और इनका बीज भी अश्वगंधा जैसे ही होता है। और अभी ये छोटे हैं तो हमें इनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये देख सकते हो बड़ी मात्रा में ऐसे पौधे उग रहे हैं और इनका जो बीज है वो अश्वगंधा जैसा ही होता है। और इसकी मिलावट अगर आपके बीज में आ गई तो आप लोगों के लिए एक बड़ी समस्या आ सकती है। ये देख लीजिए आप, ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें से एक भी पौधा अश्वगंधा का नहीं है, क्योंकि हमने तो यहाँ एक बीज भी अश्वगंधा का नहीं डाला। और ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको वो किसी खरपतवार के हैं। ये तो छोटे छोटे पौधे हैं और ये जो पौधे इनके बड़े हो गए। ये जो पौधे देख रहे हो आप, बड़े होने पर आप लोगों को तो मालूम पड़ सकता है कि ये जो पौधे हैं वो अश्वगंधा के नहीं है। लेकिन जब छोटे रहते हैं, अब ये जब बड़े हो गए तो हम आराम से पहचान कर सकते हैं कि ये वो खरपतवार है, अश्वगंधा के पौधे नहीं है। और इसका आप बीज भी देख सकते हो, इसका बीज भी जो अश्वगंधा है, अभी तो कच्चा है इसका बीज, लेकिन इसमें अंदर जो बीज निकलता है वो अश्वगंधा के जैसा ही दिखता है। तो जब पौधे इसके जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगा कि अश्वगंधा के नहीं है। लेकिन जो छोटे पौधे हैं उनकी पहचान आप कभी नहीं कर सकोगे, कोई भी मात खा जाएगा। खासतौर से जो पहली बार किसान इसकी खेती कर रहे हैं वो तो निश्चय ही इस मात खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे कि ये पौधे अश्वगंधा के ही हैं। ये आप आराम से देख सकते हो, हूबहू अश्वगंधा जैसा ही ये पौधा है, वो इसका बीज भी अश्वगंधा जैसा ही रहता है। तो इसकी पहचान करना आप लोगों की मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप लोगों के साथ में ऐसा हो गया तो एक बड़ी समस्या में आप फंस सकते हो, एक बड़ी चिंता में आप पढ़ सकते हो। तो किशन भाई, आप जब भी आज आप बीज का चुनाव करो, एक अच्छे बीज का चुनाव करो, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से खरीदो। और साथ ही जो किसान भाई पहले से अनुभव है, उसको पहले से वो खेती करते आ रहा है, उसे कुछ अनुभव है, उसकी मदद आप जरूर लो। आप अगर आप अनुभव आपको इसकी खेती का अनुभव नहीं है, आप पहली बार खेती करने जा रहे हो, तो आप बीज खरीदने में मात खा सकते हो और आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी समस्या में डाल सकती है। इसलिए किसान भाई, मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए सावधान कर देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे फ्रॉड से बचें। और साथ ही किसान भाई, अगर आप लोगों के साथ में ऐसा फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइए, उसका वीडियो बनाकर मेरे पास शेयर कीजिए। मेरे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे पास ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों के साथ हुए ऐसे फ्रॉड की मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकालूंगा। और आप लोगों की मेरे से जो संभव हर संभव जो मदद हो सकेगी वो आप लोगों की मैं मदद जरूर करूंगा। तो किशन भाई, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।